हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो मार्केट की इवनिंग राउंडअप में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आज पूरे मार्केट में किस तरीके का इंटरेस्ट रहा लोगों का। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस में रही आज मार्केट के अंदर में वो आईपीओ लिस्टिंग रही। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि टाटा टेक की आईपीओ जो है काफ़ी ज़्यादा अवेटेड थी, लोग उसकी लिस्टिंग का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे और अल्टीमेटली टाटा टेक जो है वो 2.5x गेन के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। अदर IPOs ने भी अच्छी लिस्टिंग कराई, जैसे गंधार ऑयल की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 75% प्रीमियम के साथ वो लिस्ट हुआ। हालांकि टाटा टेक ने सब में बाजी मारी और टाटा टेक की जो लिस्टिंग हुई वो अब तक के दो सालों में सबसे बढ़िया लिस्टिंग रही। इसके अलावा फेड बैंक फाइनेंशियल जो है उसकी भी लिस्टिंग जो है वो म्यूटेड थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को गेन मिला। और रिसेंट IPOs में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट अलाइन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। FPI का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ा है, वो प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्टिव हुए हैं। टाटा टेक की स्ट्रांग लिस्टिंग के बाद टाटा टेक ER&D स्पेस के अंदर में इंडिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। उसने टाटा एलेक्सी के मार्केट कैप को भी सरपास कर लिया है, हालाँकि वैल्यूएशन लेवल पर काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फ्लेयर राइटिंग जो है उसकी जो लिस्टिंग भी आज थी, बट उन्होंने डेफर किया उसको और उसकी लिस्टिंग कल होगी। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो आज इंडिया के Q2 GDP डेटा रिलीज होने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 6.8 से 7% की ग्रोथ रेट इंडिया की रह सकती है। इन्फ्लेशन फ्रंट पे S&P ने बोला कि रबी फसल जो है वो अलनिनो की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन रेट्स पे आएगा। और करेंसी वाइज देखें तो रुपी जो है आज अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है और कहीं ना कहीं उसने एशियन जो पीयर्स हैं उनकी करेंसी को अंडर परफॉर्म किया है। आज तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस भी चल रहे हैं और आज के स्टेट इलेक्शन के क्लोज़र के साथ जो असेंबली इलेक्शंस 5 स्टेट्स में हो रहे थे वो क्लोज़ हो जाएंगे और 3 दिसंबर को असेंबली इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे। हालांकि आसाम में एग्जिट पॉल्स आने की उम्मीद है। पॉलिसी फ्रंट पे देखें तो आज डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ रही। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डोमेस्टिक कंपनियों से प्रोक्योर करने का अपना अप्रूवल दिया है। ये एक टेलविंड है जो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी साबित हो रही है। पास्ट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो इंक्रीजिंग फोकस है इंडियनाइजेशन का, जो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वो कहीं ना कहीं HAL जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा टेलविंड साबित हुआ है। अगर ग्लोबल फ्रंट की बात करें, ग्लोबल मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो US के अंदर में फेड के कई प्रेसिडेंट्स ने रेट कट को लेके काफ़ी अच्छी कमेंट्रीज दी हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्रीज आई हैं। वहाँ काफ़ी इंथुजियाज़म है रेट कट्स के, जो 24 के अंदर में रेट कट्स का एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। हालांकि FOMC की जो मीट है वो काफ़ी अवेटेड रहेगी दिसंबर के अंदर में। 13 दिसंबर को जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा और उसके साथ जो कमेंट्री आएगी वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा एक नेविगेटर का काम करेगी। हालांकि US की इकोनॉमी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। US ने अपने थर्ड क्वार्टर GDP को का भी रिवीजन किया है और जो रिवाइज्ड ग्रोथ है वो 5.2% के आसपास है। ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। चाइना के फ्रंट पे अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। वहाँ पे फैक्ट्री एक्टिविटी जो है वो अभी भी कॉन्ट्रैक्शन में है और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में मोमेंटम आ नहीं पा रहा है। एंड इसका बेनिफिट जो है अगर फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पेंशन बोर्ड है उनका स्विच का की वजह से जो फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया जैसी मार्केट्स के अंदर में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर जहाँ ग्रोथ रेट्स के एक्सपेक्टेशन 6.5% के आसपास के हैं। आज के मार्केट राउंडअप में ये हमारी पेशकश थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.